छठे वेतनमान को लेकर सीपीएम विधायक राकेश सिंघा कर्मचारियों के हक में खड़े हो गए हैं और सरकार पर कर्मचारियों को बांटने के आरोप लगाए हैं। सिंघा ने कहा है कि सरकार ने वेतनमान को एक समान लागू नहीं किया है, सरकार ने दो कैटेगरी बनाकर निचले तबके के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, जबकि निचले तबके के कर्मचारी ही हिमाचल प्रदेश की रीढ़ है। सरकार ने पहले ही पंजाब के समान वेतनमान लागू नहीं किया है। सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 4-9-14 का फॉर्मूला खत्म करके कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। प्रदेश ने पंजाब की तर्ज पर छठे वेतनमान को लागू किया है, लेकिन इसमें दो ही विकल्प कर्मचारियों को दिए हैं, जबकि 2015 के बाद 15% हाइक का विकल्प भी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। कर्मचारियों को फिर से एकजुट होकर इसके लिए आंदोलन करना होगा, तभी छठे वेतनमान का पूरा फायदा मिलेगा। देखिए, एम्प्लॉइज का मुद्दा आज केंद्रित मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बन गया है और जिस तरीके से छठे वेतन आयोग के नाम पर, कमीशन के नाम पर सरकार और सरकार के तंत्र द्वारा ठगी ठोरी की जा रही है, ऐसी ठगी ठोरी आज से पहले नहीं की गई। एक सेक्शन को तो आपने टाइम स्केल रखा है और डीए उसका 31% से कैलकुलेट किया है, दूसरे सेक्शन को आपने जो मेजॉरिटी सेक्शन है, जो मेन बैकबोन हिमाचल प्रदेश की है, चाहे वो कहाँ कहीं भी काम करता हो, उसको आपने डिप्राइव किया है, जो आपको 4-9-14 जो मेथड था कि 4 साल बाद, 9 साल बाद और 14 साल बाद प्रमोशन जो दी जाती थी, और ऑल्सो आपने उसके सिर्फ 28% उसका डीए किया। हम पंजाब के साथ जुड़े हैं और इसलिए हमारा वेतनमान वही होगा जो पंजाब में दिया जाता है। अभी पंजाब की गवर्नमेंट ने सारी प्रॉब्लम्स को समझकर कि क्योंकि बहुत ही बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, उसने थर्ड ऑप्शन कर्मचारियों के सामने दिया, एक आपका 2.52, 2.59 एंड जो 2015 के बाद 15% की हाइक, वो ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, उसके बगैर जस्टिस हो नहीं सकती है। लेकिन हम कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं, संकीर्णतावाद से ऊपर उठकर जिस तरीके से 1970 में जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब परमार साहब थे, जो उस समय इन वेतनमान के प्रश्न को लेकर जो हिमाचल प्रदेश में संघर्ष हुए थे, उसी लहजे पर, उसी एनालॉजी पर ब्रॉडेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म बनाकर इस प्रश्न को उठाया जाए, तभी इसका हल निकलेगा। अगर बच जाओगे, बंटने में किसी को नहीं मिलने वाला,